बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उस जादूगर के पास सफेद और काले रंग के दो जादुई चांद घर थे। जादूगर दोनों जादुई चांद घर का इस्तेमाल करके हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक जादूगर बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मेरे मरने का समय आ गया है। देखो, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर जादूगर दम तोड़ देता है। जादूगर के मरने के बाद सफेद चांद को बहुत दुख होता है, लेकिन काला चांद खुशी से नाचने लगता है। देखो, हमारे मालिक का हुक्म याद रखना, हमें हमेशा गरीब लोगों की सहायता करनी है। ये बुढ़ा मर गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आज से मैं दूसरों को परेशान करूंगा, इसमें मुझे बहुत मजा आएगा। फिर अगले दिन दो गरीब औरतें उन दोनों से मदद मांगने आती है। कल रात तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, मुझ पर दया करके कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ, मुझे भी पैसे दे दो ताकि मैं अपना टूटा हुआ घर ठीक कर सकूं। देखो बहनों, मैं तो सिर्फ अनाज प्रकट करने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन ये काला चांद घर जितने चाहे उतने पैसे प्रकट कर सकता है। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, मैं ढेर सारे पैसे प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों को आपस में लड़ाई करनी होगी, जो औरत जीतेगी मैं उसे माला माल कर दूंगा। दोनों औरतों के सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह दोनों काले चांद को खुश करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगती है। आ आ मेरे बाल, आ ओई माँ, मर गई रे, मेरी टांग टूट गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आ हा हा हा। दोनों औरतों को लड़ते देख काला चांद घर बहुत खुश होता है। देखो, ये सब गलत बात है, तुम इन मासूम औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं बहुत बुरा बन गया हूँ, बुरे काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसलिए तू अपनी बकवास बंद कर और मुझे लड़ाई का मजा लेने दे। देखते ही देखते दोनों औरतें बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे, तुम दोनों तो घायल होकर गिर पड़ी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम दोनों को पैसे नहीं दूंगा, चलो भागो यहाँ से। काले चांद की धोखेबाजी से दोनों औरतों को बहुत दुख होता है और वह दोनों रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सफेद चांद घर उन दोनों औरतों को दो अनाज की बोरियाँ दे देता है। फिर वह दोनों औरतें सफेद चांद घर का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी जवान लड़की को लेकर वहाँ आता है। सुनो, एक दुर्घटना में मेरी बेटी का पैर बुरी तरह घायल हो गया है, मैं इसका ऑपरेशन करवा कर इसे ठीक करना चाहता हूँ, वरना इसकी शादी टूट जाएगी, दया करके मुझे पैसे दे दो। सुन बुढ़े, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे मेरे सामने डांस करके दिखाना होगा, उसके बाद मैं तुझे पैसे दूंगा। मजबूर होकर बूढ़ा वहाँ डांस करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में थकान के मारे वह गिरकर बेहोश हो जाता है। पिताजी, उठिए पिताजी, आपको क्या हो गया? सुन लड़की, तेरे बाप को तो बिल्कुल डांस करना नहीं आता, इसलिए अब मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, चल अपने बाप को उठा और निकल जा यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो, देख लेना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद वह लड़की अपने पिता को उठाकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल के पास वाले गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिस वजह से लोगों के घर टूटकर तहस नहस हो जाते हैं। वह सभी लोग मदद के लिए दोनों चांद घर के पास आते हैं। हमारी मदद करो, भूकंप की वजह से हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया है, हम पर दया करो। देखो, तुम सबको इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देख मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बल्कि तुम लोगों की मजबूरी देखकर खूब हंसूंगा। हा 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 हा। ऐसा मत कहो, हम सब बहुत मुसीबत में है,
ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर तो दया करो। बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये काला चांद बहुत बुरा है, ये कभी किसी की मदद नहीं करता। तुम सब बेकार में इससे बहस मत करो। देखो मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ढेर सारा अनाज दे सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम सबकी भूख शांत हो जाएगी। उसके बाद सफेद चांद घर का दरवाजा खुल जाता है और सभी गांव वाले घर के अंदर जाकर ढेर सारी अनाज की बोरियां ले लेते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले सफेद चांद को दुआ और काले चांद को बद्दुआ देकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस जंगल में तेज तूफान आता है। तूफान इतना खतरनाक था कि वह दोनों चांद अपनी जगह से लुढ़कते हुए पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचते हैं। दोनों चांद पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों की नजर उन पर पड़ती है। अरे वो देखो, दोनों चांद घर खाई की तरफ गिरने वाले हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। सभी लोग उन दोनों को बचाने पहुंच जाते हैं। देखो ये सफेद चांद घर बहुत अच्छा है, ये हमेशा दूसरों की मदद करता है, इसलिए हम सिर्फ इसे बचाएंगे। उसके बाद सभी लोग सफेद चांद घर पर रस्सी बांध कर उसे खींचते हुए पहाड़ी की चोटी से दूर ले जाते हैं। अरे तुम सबने उसे तो बचा लिया, अब मुझे भी बचाओ वरना मैं खाई में गिर जाऊंगा। तू बहुत बुरा और दुष्ट चांद है, तूने हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए हम तुझे नहीं बचाने वाले। फिर सभी गांव वाले उस काले चांद को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं। हाय मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। खाई में गिरते ही उस काले चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह उस दुष्ट चांद घर का अंत हो जाता है।